हेलो मखरी सो हेलो हेलो सत्कारयोग सज्जनों भैनों भावो छोटे बच्चे हाणे वीर और साडे सत्कारयोग बुजुर्ग सब तो पहला सारे तो ही प्यार का सबूत चाहना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत बधाई है तुहानू जिन्हां नूं समर्पित है मेला जिन्हां दी याद नूं ताज़ा किया गया सचखंड वासी धन धन बाबा नार सिंह जी सचखंड वासी धन धन बाबा मनसा गिर जी उन्हां दी याद दा ये जो समागम है उन्हां दी याद दे विच आप सब नूं बहुत बहुत मुबारकबाद मंसूर देवा नगर निवासियों और इलाका निवासियों मंसूर देवा पिंड के नौजवान साडे कलाकार भरा वो बुलंद आवाज वो बुलंदियों छून वाला इतों का नौजवान थोड़ा अपना बच्चा थोड़ा वीर साडा वीर अंग्रेज अली उन्होंने साथ उन्होंने सहयोगी बड़े प्रमुख मंच संचालक जिन्होंने असं स्टेज सेक्टर कहते हैं काफी कलावां का सुमेल है कुलवंत सेखो जी मैं धन्यवाद करता दोने भरावां दा उस तो वड्डा धन्यवाद जिहड़ा तुसीं इन्हां नूं सहयोग दिता सब दा बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि सहयोग तो बिना कुछ भी नहीं हुंदा कल्ला बंदा कदे भी पास ना पार हुंदा बहुत बहुत धन्यवाद सारयां दा स्वागत करदा है पंजाब पुलिस दे ऑफिसर साहिबान उन्हां दा भी तहे दिलों शुक्रिया अदा करदा है पतवंते सज्जन पंच सरपंच समूह मैंबरां इलाका निवासी मोहतबर सज्जन सब का मैं स्वागत करता बहुत बहुत मेहरबानी पत्रकारों की दुनिया के जो भी सज्जन इतने विराजमान ने साडे पत्रकार वीर मीडिया परिवार तो उन्होंने भी स्वागत करता है मूवी मेकर वीर का तय दिलों धन्यवाद करता है मखनी सौंस शुक्रिया जी मेरे तो पहला काफ़ी कलाकारों ने रंग बने कलाकार साडे भरा आत्मा गुड्डे वालिया जी बीबा अमन रोजी जी साडा वीर बहुत अच्छा फनकार गीतकार और गायक वीर बलजीत धन्यवाद होर भी सिंगर आए हो सब का मैं स्वागत करता है बहुत बहुत मेहरबानी एक ताड़ी मार रही है सच्चे पातशाह के नाम ही धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया सुना साथी कलाकार तो जी सा स्टेज की परंपरा रिवायत है डाका मालिका दे सब मैं चाहना एक धियां के नाम की ताड़ी मार धन्यवाद होगा बहुत बहुत मेहरबानी जो दे रहा उस परंपरा के अनुसार साढ़े स्टेज की शुरुआत हुई आगाज हो मैनू जो अज तक तक तुम मैं सुने माणिया प्रवान बर्दाश्त किया तहज ने धनबाद मैंने हिम्मत बल बख्शिया बहुत बहुत नहीं है तुहाडा बहुत बहुत तुहाडा धन्यवादी है ओहे गीत गाने लोक तत्व और दुगाने तुहाडी सेवा च हाजिर करूंगा दुगाने दे विच मेरा साथ देणगे बीबा हुसन लो दोस्तों सियाने कहंदे आ खैर करे रब खुशियां बख्शे हर एक नगर खेड़े बुद्ध बुद्ध ते तीजी नींद सुखां दी आवे हर एक पूजा पूजा पाठ तपस्या कीती लौंदी रब दे मेरे ओ लाभ ही ना फल पा लैंदे ओ सच्चे सिद्ध के ईमान दे कहंदा उस मरीज ने की लेना उस मरीज ने की लेना जिहदा पीर दी गीत च हज ना होवे ते उस सखी का की मंगना जिहदे दित्तियां गरीब दा हज ना होवे उस बंदे दा मुल्ल कौड़ी उस मर्द दा मुल्ल कौड़ी जिहनूं आन शब्द ते लग ना होवे मेरे सजनों सजनों छट दे ये जिन्हों प्यार कर लगा जगना हो गए यार मिले ये भी सारे कहते हैं भाई यार मिले ना जपार मिले तब यारी लागन कस है काफर है जरा लाके यारी पिछुआ थे साथी तो कस है सिर दित्या जो यार मिले वो सिर दित्या जो यार मिले तो सिर देवर की कस है सिर देवी पर मफाना मंगी यार फरीदा रब रखा नाले रब का नाम है नाले साडी रीत के अनुसार जिन्हों असि लोग तत् कहने नाले वह बन गई है हाजिर कर लगा बहुत बहुत स्वागत बड़ी बड़ी मेहरबानी धन्यवाद चाहते हैं
पैसा आया था समझ लो क्या कम है। दुकानदारी किसी भी स्टाइल से किसी भी तरीके दी किसी भी ढंग दी दोनों बाणी है, पर एक गल की गल जरूर तुहानू दसूंगा लुच्चे ते लंगिया बारे। हुण तां लोक कहण हट गए, पहला जरूर कहिंदे हुंदे सी, सब ने सुने होणगे पुराने लोकां नूं, पहला लुच्चे ते लंगिया बारे एक गल जरूर आखी जांदी सी, ओह गल सी कि लुच्चा लंगा चौधरी ते सती सवित्री वाली गल हरेक दे कन्नी पैगी होनी। मेरा कहण दा मतलब, मेरा कहण दा भाव तां इही है, कोई शरीफ आदमी, कोई नरम आदमी, कोई साहू आदमी किसी गलत रस्ते ते पै जे सज्जन जी, माड़े हुंदा माड़े हुंदा माड़े। तीसरी गल मैं कही सी, जे किसी कंजर बंदे दी सेवा हो जाए तां वी रहा, यह गल सुन के हरेक की सोच परंपरा हो गई होनी है। खैर सोच होने वाली भी गल है, कंजर बड़ा लड़कता लफ जल्दी, क्यों कहता किनू कहता का तो कहता, पर एडी भी गल नहीं बाबा बुले शादी करी कह गया मारना मुला बोलनिया, मारना मुला बोलनिया, मैं घर कंजर दे जावर दे, ते कंजरी बने मेरी इज्जत नहीं घटती, नच नच के यार। पर यह कंजर कुछ होर, ध्यान सुनने वाली गल है, खास करके बीबिया भैन के ख्याल सुनने वाली गल है। कंजर कौन है? कंजर पहला बने आश्क दे फिर बन गया पति प्यार, बहुत बंदियां दी आदत है, पहला पहला बने आश्क दे फिर बन गया पति प्यारा, हले भी नहीं तृष्णा भरती वे रंडियां दी यारा, इहनू कंजर कहना
Yeah.
ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ।
ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਂਗੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਲੋ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਲੜਨਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੀਤ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਚ ਫੂਕ ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਆਹੀ ਹਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਟਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤ ਤੋੜ ਲਿਆ